जिले में आज कोरोना के 186 नए मामले सामने आए। जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने बताया कि आज यानी 29 अगस्त को रायचूर जिले में कोरोना के 186 मुस्बत केस दर्ज किए गए हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह कोरोना के अब तक जिले में 6875 केस दर्ज किए गए हैं। इन्होंने मजीद बताया कि 116 अफराद कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इस तरह ठीक होने वाले अफराद की कुल तादाद जिले में अब तक 5335 हुई है। जिला डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि आज कोरोना की वजह से 2 अफराद की मौत भी वाकई हुई है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के लिए दरख्वास्तें मतलूब। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज़राए ने बताया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साल 2020-21 के लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर नामी कोर्स मुतारिफ कराया गया है। इस कोर्स में दाखिले के ख्वाहिशमंद अफराद अपने अपने दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.uasraichur.edu.in पर जाकर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 08532220559 पर भी रब किया जा सकता है, या फिर एग्रीकल्चर ऑफ साइंस रायचूर को खुद जाकर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। नर्स के ओहदों के लिए तकरीरात। ज़राए ने बताया कि रिम्स मेडिकल कॉलेज में नर्सेस के तकरीरात किए जा रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारान जो GNM या फिर BSc नर्सिंग कामयाब हों, वो इस ओहदे के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं और ये ओहदे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बुनियाद पर होगी, जिसके लिए माहाना 14,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि उम्मीदवार की उम्र 45 साल से कम हो। इस सिलसिले में उम्मीदवार 7 सितंबर के से कबल अपना बायोडाटा रिम्स कॉलेज में दाखिल कर सकते हैं। 7 सितंबर के 4:30 बजे से कबल वो अपना बायोडाटा रिम्स हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिस बैरून किले में भी दाखिल कर सकते हैं। तालाब से लड़के की नाश बरामद। ज़राए ने बताया कि रायचूर जिले के मस्की तालुके के मौजा गुडल दिन्नी में आज एक 16 साल लड़के की लाश तालाब से बरामद हुई। ज़राए ने बताया कि बोगापुर मौजे में वाक़ा इस तालाब से केशप्पा नामी 16 साल लड़के की नाश निकाली गई। इब्तदाई तहकीक़ात से ये बात सामने आई कि लड़का शायद तैरने गया था और इस तालाब में गरकाब हो गया। इस मामले को तुरवियाल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया। LBS नगर में आज मास्क की तकसीम अमल में आई। ज़राए ने बताया कि रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल की जानिब से शहर के LBS नगर इलाके में आज N95 मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि वो शहर में तकरीबन 1,00,000 N95 मास्क बांटने का इरादा रखते हैं। इस मौके पर गोपाल रेड्डी, तिम्मा रेड्डी, लक्ष्मण और दीगर भी मौजूद थे।